क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फोर क्वेश्चन में क्या था कॉम्प्लीमेंट, इसमें है सप्लीमेंट। देखिए सप्लीमेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई टू एंगल लिए और टू एंगल का आपने सम किया और उसका सम 180 आ गया तो वो आपका सप्लीमेंट्री हो जाता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वो हुआ जब एंगल का सम करेंगे 180 आएगा, उसे कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके। और जो एंगल्स अलग अलग हो गए ना, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसे आपको एंगल बताने हैं जो इक्वल हों और सप्लीमेंट्री बन जाए। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एंगल है और यहाँ पर भी कोई एंगल है, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल इक्वल होने चाहिए, सप्लीमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री और 90 डिग्री का ही तो बनेगा ना, तभी तो इक्वल हुए, तभी इसका सम जो है 180 आएगा। इस तरह से आप इसको देखेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करना है जरा देखिए। हम लोग लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट या फर्स्ट एंगल एक ही बात है। आप क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। अब देखिए यहां पर इक्वल की बात कर रहा है, तो फर्स्ट एंगल अगर आपका x होगा तो सेकंड एंगल भी आपका x होगा। ठीक है, सेकंड सप्लीमेंट तो ये भी आपका x हो गया, दोनों क्या है आपके इक्वल है ना। तो इसका जब सम करेंगे तो आपका 180 आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 180 आता है। x x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ये 90 मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन निकालना कैसे है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। x की वैल्यू निकालनी है आपको, 2 किसका है मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो आप 90 टाइम्स जाएगा ना, तो 90 डिग्री आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होगा। चलिए, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।